उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से खबर सामने आई है, जहां मधुमक्खी लुटेरा गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर झोंके, जहां आरोपी को गोली लग गई और आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। सर्च ऑपरेशन कर पुलिस ने नौरथा मोड़ से आरोपी को दबोच लिया है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। बीते दिनों गिरफ्तार किए गए थे इस गैंग के 3 सदस्य। ये दोनों आरोपी फरार होने में रहे थे सफल। एसपी कासगंज ने कल ही घोषित किया था आरोपियों पर 15,000 रुपए का इनाम। एसपी समेत अधीनस्थ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूरा मामला सदर कोतवाली पुलिस ने कासगंज बाईपास मोड़ पर मुठभेड़ कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर, आज कासगंज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, अगले पिछले 2 दिन से कुछ चोरी की घटना वगैरह भी हुई है और अन्य जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी एटीएम चोरी का कुछ प्रयास किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा जितने भी शहर में जितने भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पर नाकाबंदी किया और रूटीन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान हमारे टीम को एक बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे और वो हमें देखते ही तुरंत वो फायरिंग करने लगे। जो रिटेलिएशन फायरिंग में एक जो बंदा हुआ घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। तो जो घायल हुआ, जब उनको नज़दीक से देखे तो ये इनका नाम है राकेश, जो अलीगढ़ के हैं। ये अभी फ़िलहाल 3 दिन पहले जो मधुमक्खी व्यापारियों को बंधक बनाकर जो डकैती की गई थी, जिसमें करीब 4 लाख रुपए के मधुमक्खी जो 80 मधुमक्खी बक्से जो है वो चोरी डकैती की गई है और उसके अलावा करीब कुछ कैश भी वो ले गए थे। उसमें ये अभियुक्त था और वो अभी फ़िलहाल मिल गया और कुंबिंग के दौरान जब हम इस तरफ नौरथा मोड़ के बाएं तरफ जब जा रहे थे वहाँ पर हमारे टीम को जो दूसरा अभियुक्त है जो रामवीर है वो भी मिल गया है और बाकी अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजा गया। मौके पर एक बाइक, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और कुछ खोखे भी बरामद।